पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का शादी पर बयान वायरल हो गया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो अपनी किताबों पर साइन करते नजर आए। इस किताब का नाम वाई भारत मैटर्स रखा गया है। इसमें उन्होंने देश की विदेश नीति का जिक्र किया है और भारत की दुनिया में बढ़ती शक्ति को लेकर हर पहलुओं पर चर्चा की है। हाल ही में उन्होंने अपनी किताब प्रधानमंत्री मोदी को भी भेंट की थी। इस किताब में भारत शब्द इस्तेमाल करने को लेकर जयशंकर ने एक इंटरव्यू में जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत शब्द सांस्कृतिक के अलावा आत्मविश्वास और पहचान को भी जाहिर करता है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकर का एक जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें उन्होंने 52 साल की उम्र में भी शादी की सलाह दी। दरअसल नए साल को लेकर उन्होंने लोगों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कुछ मजेदार सवाल लिए और उनके मजेदार जवाब भी दिए। एक शख्स ने पूछा कि उनकी उम्र 52 साल है और एक महिला को पसंद करते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए। इस पर कार्यवाहक पीएम ने जवाब दिया कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, काकर ने कहा कि अगर आपकी उम्र 82 साल है और आप शादी करना चाहते हैं तो भी जरूर कर लीजिए, इसमें क्या परेशानी है। पाकिस्तानी पीएम के जवाब को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। ये बात एक सर्वे से सामने आई। इसके मुताबिक महज 15% लोग ही चाहते हैं कि जंग खत्म होने के बाद नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री बने। वहीं उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी बेनी गैंस को 23% लोगों को पीएम पद के तौर पर समर्थन मिला। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वहां आम चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। दरअसल उसने प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पर निष्पक्ष मतदान नहीं करवाने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी है। अमेरिका के ओरेगन में कोस्ट गार्ड के जवान एक कुत्ते के लिए देवदूत साबित हुए। दरअसल इस कुत्ते को समंदर के बीच से रेस्क्यू कर लिया गया। इसके लिए हेलीकॉप्टर से एक जवान पानी में बनी चट्टान के बीच उतरा और फिर कुत्ते को निकाला।